नमस्कार प्रत्यक्षों, मैं पहले यह बता देता हूँ, अभी तुरंत आप लोग कहीं जाएंगे नहीं। पहली बात है, लास्ट तक बने रहेंगे, यानी अंत तक बने रहेंगे। आपको मैं ऑडियो सुनाने वाला हूँ सचिव सर का, और 2021 बैच का एक प्रशिक्षु है जो उनसे डायरेक्ट वार्ता करता है। उस वार्ता में देखिएगा जो आपके सचिव सर हैं और वो किस प्रकार से बच्चे से बात कर रहे हैं, यानी कि बात करने का जो मैनर क्या, उनको मैं सिखाऊंगा या फिर हम आप क्या सिखाएंगे। और तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनको तो खुद आना चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर। किससे मतलब, छोटा हो तभी थोड़ा इज्जत दें, और बड़े हों तब तो इज्जत देना ही देना है। खैर, उनसे इस तरह की बातें की जा रही हैं, मुझे तुम सिखाओगे क्या, मुझे आप सिखाओगे, एग्ज़ाम होगा कब, होगा कब नहीं होगा, कौन सा एग्ज़ाम। पहली बार तो इनके मुँह से यही सुनने को मिलता है, कौन सा एग्ज़ाम। और जो लोग ये कह रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं मेरे भाई, अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत सही है फिलहाल में कुछ। मेरे मित्र, उनका साफ साफ का नाम है कि देखिए, बहुत सारे आपसे भाई बहन मेरे यूट्यूबर बात भी कर रहे हैं आपसे इस प्रकार से, अक्टूबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, पूरा दावा भी ठोक रहे हैं इस बात का, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर मान लीजिए अक्टूबर में हो जाए तो भी भला है, बहुत भला है बच्चों का, प्रशिक्षुओं का, मेरे भाइयों का बहुत भला है। इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने क्लास भी लगा रखे हैं सारे के सारे। आज DLED 4th सेमेस्टर के मैथ का क्लास जो था, सेकेंड लास्ट था, और थोड़ी सी तबीयत खराब भी थी, तो मैंने पहले वाला क्लास उसी को लगा दिया था, है ना। तो आप लोगों ने देखा होगा जरूर से, उसे फॉलो भी किया होगा। आशा करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से आप सारे क्लासेस फॉलो कर रहे होंगे। और मैं एग्ज़ाम की बात कर लेता हूँ, इनका साफ साफ का नाम है सचिव सर का मेरे भाई, कि एग्ज़ाम आपके होंगे या तो तय हैं, लेकिन कब होंगे या आप थोड़े बताओगे डेट, आप थोड़े डेट बताओगे कि मैं आपके अनुसार चलूंगा, डेट बताऊंगा। 2021 बैच का बच्चा उनसे बार बार बोले जा रहा है, सर मैं 2021 बैच का, सर कम से कम बता दीजिए कब तक होगा। फिर भी बात बार पर वो कह रहे, फ़ोन रखो डायरेक्ट डांट कर, आप लोग सुनिएगा इस ऑडियो में, तब उनके तौर तरीके को आप वहाँ पर सकते हैं। मैं मान सकता हूँ कितना भी टेंशन हो, आप एक उच्च कोष्ठी के एक अधिकारी हो, आपको इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा किया है तो खैर कोई बात नहीं। संस्कार मतलब बताते हैं, अब इतने बुजुर्ग हो गए तो मैं तो आपको संस्कार नहीं सिखा सकता, लेकिन ये चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा। आपका जो ये तरीका है हमारे भाइयों से, हमारे बहन से या फिर हमसे बात करने का, यह अच्छा नहीं है। आप बात करिए, आप बोलिए, मुझे तुम सिखाओगे क्या, तुम नहीं सिखाओगे क्या, तुम्हारे कहने पे मैं एग्ज़ाम लूँगा क्या, तुम्हारे कहने पे एग्ज़ाम दूँगा क्या, तुम कहोगे तो मैं रिजल्ट निकालूंगा, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए ना। आप उनको बता दो डायरेक्ट, कब आने वाला नहीं आने वाला तो समय बता दो। वैसे भी आप कोई सा समय सही नहीं बताते हो। मैं साफ साफ कह देता हूँ, इनके सारी चीज़ों को देखते हुए, इनके ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनते हुए मेरे भाई की, साफ साफ इनका कहना है कि एग्ज़ाम डेट जब भी आएगा वो आपके लास्ट नवंबर तक मेरे भाई, और हो सकता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक, जो मेरा मानना है यह चीज़ है। क्योंकि स्पुटनिक के रिजल्ट भी लगभग कल ये 19 नवंबर तक आएंगे, है ना। यह बहुत बड़ा बखेड़ा है जो कि सामने आपके आन पड़ा है, और इस चीज़ को आप लोग समझेंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर रूप से, कल एग्ज़ाम है ऐसा सोचकर पढ़ते रहिए ना। और रही बात हार तो एक लाइफ की कड़ी है ना, हिस्सा है, अगर वह नहीं मिलेगा तो आप जीत का जश्न कैसे मनाओगे मेरे भाई। लेकिन लगे रहने से ही जीत मिलती है। देखिए, जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी परेशानियां होती हैं, निश्चित रूप से टल जाती है अगर वह जिस परेशानी से आप उलझ रहे हैं ना, वह भी आपको इतना ही लाइक करती है, परेशानियां लाइक करती हैं, ठीक है ना। तो परेशानियां ही साथ देती हैं, परेशानियों से भागना नहीं है, परेशानियां तो लाइफ के एक पार्ट हैं, वो तो आती रहेगी, और आपको लड़ते रहना है उनसे, झगड़ते रहना है और उनसे जीतते रहना है अंततः, क्योंकि हारना तो होता है उनको। अगर आप उलझे रहोगे ना तो उनकी एफिशिएंसी डाउन होगी, आप जीतोगे मेरे भाई, है ना। तो इस प्रकार से लगे रहिए, और आप लोग से यही विनती है कि आप लोग डीमोटिवेट नहीं होंगे, मोराल अपना बना के रखेंगे। जो भी चीज़ होगा, देखिए सबके साथ वही घटना घट रही है, आप किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, तो इस वजह से मेरा कोई भी भाई, मेरा कोई भी प्रशिक्षु परेशान नहीं होगा। परेशान तो खत मौसम कर रहा है ना सबको, और तबीयत वगैरह भी ख़राब हो रहा है, थोड़ा सा बच बचा के रहेंगे आप लोग मेरी तरह, नहीं तो फिर जुकाम, टाइफाइड, मलेरिया सब कुछ हो जाएगा ना। धन्यवाद आप सभी से, ये विनती करते हैं कि बस मैंने जो दुआ मांगा था आपसे, वह दुआ बस आप देते रहिए मेरे लिए ना सही, आप लोग समझ सकते हैं किसके लिए मैं कह रहा हूँ। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे अन्य विद्यार्थी तक ये सूचना पहुँच सके। धन्यवाद। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार जी सर, 2021 बैच से बोल रहे हैं। हाँ सर, हम लोगों का डेट फिक्स कब तक जारी होगा? कौन सी डेट फिक्स? सर परीक्षा की सर। यार ज्यादा एडवांस आप लोग क्यों बनते हो सर? परीक्षा अपने समय से होगी कि तुम्हारे कहने से होगी परीक्षा?
अरे वो तो सर समय से ही होगी, लेकिन सर जब जारी होगा तो पता लग जाएगा। फोन रखिए।